मार्ग सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे क्रिएट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेलीमोटेक पर। दोस्तों, मैं आज मार्ग ERP में आइटम कैसे क्रिएट की जाती है, प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोई भी सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री करने के लिए या बिलिंग करने के लिए हमारे को आइटम की जरूरत पड़ती है। तो हम मार्ग सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आइटम क्रिएट करते वक्त हमें तीन बातों का खास ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बातें हैं, तो आइए चलते हैं हम दोस्तों मार्ग सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं कौन कौन सी बातें हमें खास ध्यान रखने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें। तो आइए चलते हैं दोस्तों मार्ग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मार्ग सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रखा है और मैं यहाँ पर सबसे पहले आइटम क्रिएट करने के लिए मास्टर पर जाऊंगा। मास्टर में इन्वेंटरी मास्टर पर जाऊंगा। इन्वेंटरी मास्टर के में जो फंक्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे आइटम मास्टर है, कंपनी मास्टर है, HSN, SSC है, तो मैं इनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आइटम मास्टर पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, मैंने दो आइटमें यहाँ पर क्रिएट कर रखी हैं। अब मैं न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए F2 प्रेस करना पड़ेगा। F2 प्रेस करने के बाद में जैसे हमने आइटम क्रिएट करनी है या कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सीमेंट के नाम से प्रोडक्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आगे दोस्तों, रैंक नंबर में हमें कुछ नहीं भरना है। आगे दोस्तों, यूनिट भरना है, जो सीमेंट है, जो भी आइटम है, तो वो आइटम किस यूनिट में है, केजी में है या फिर ग्राम में है या फिर बैग्स के अंदर है। तो मेरी आइटम सीमेंट है जो बैग्स के अंदर है, तो मैं बैग यहाँ पर यूनिट दे देता हूँ। दोस्तों, आगे आता है डेसिमल। डेसिमल होता है जो पॉइंट के बाद में जो भी हमने कुछ मेंशन करना है, जैसे किलोग्राम के आगे ग्राम्स मेंशन करना होता है। जैसे हम आइटम बना रहे हैं बैग्स में, तो बैग्स में हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो ही रहने देता हूँ। आगे दोस्तों, आता है कलर्स टाइप। कलर्स टाइप में अपने स्पेसिफिक कोई कलर देना चाहते हैं, जो आइटम क्रिएट होगी तो वो अलग से डिस्प्ले करेगी। जैसे इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, कोई भी कलर्स अपने चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल रहने देता हूँ। दोस्तों, मैंने बताया था हमें तीन खास बातों का ध्यान देना है। पहली खास बात है हमारी कंपनी। कंपनी के अंदर हमें कंपनी का नाम भरना है। जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उस कंपनी का हमने यहाँ पर नाम भरना है। जैसे मैं यहाँ पर चेतक कंपनी का मैं सीमेंट बेच रहा हूँ या परचेज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर चेतक कंपनी का नाम दे देता हूँ। जब भी हम सेल करते हैं तो जो बिल के अंदर कंपनी का नाम मेंशन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चेतक कंपनी चूज कर लेता हूँ। दोस्तों, आगे आता है, मैंने आपको तीन बातें खास ध्यान रखने के लिए बताया था। दो नंबर बात है HSN SSC। यहाँ पर हमने HSN कोड भरना बहुत ही कंपलसरी है।
तो मैं यहाँ पर एचएसएन कोड मेंशन करने के लिए मैं नो दबाता हूँ, एन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एचएसएन कोड बना रखा है। अब मैं एक अलग से एचएसएन कोड बनाने के लिए यहाँ पर F2 प्रेस करूँगा। मैं प्रोडक्ट का एचएसएन कोड भर लेता हूँ, जैसे सीमेंट का एचएसएन कोड 2523 है, और यहाँ पर शॉर्ट में नाम लिख देता हूँ सीमेंट। यहाँ पर दोस्तों SGST, CGST, IGST कितने परसेंट का इस पर टैक्स लगना है, तो वो मैं परसेंटेज यहाँ पर भर देता हूँ। जैसे फिलहाल सीमेंट पर 28% टैक्स है, तो मैं यहाँ पर SGST में 14% भरूँगा, CGST में 14% और IGST में 28% ऑटोमेटिक आ चुका है। दोस्तों आगे आता है टाइप, ये क्या चीज़ है, गुड्स है या सर्विस है, तो मैं यहाँ पर गुड्स ही कर देता हूँ। दोस्तों आगे पूछ रहा है UQC यूनिट, तो ये कौन सी यूनिट में आता है, जैसे हमारा ये बैग्स है तो मैं बैग्स कर देता हूँ। तो जिस टाइप की आइटम हो तो वहाँ पर ये आइटम का यूनिट पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करना है, मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। टैक्स टाइप में टैक्सेबल भरना है, इसमें तीन टाइप के टैक्स पूछे जाते हैं, टैक्सेबल है या टैक्स पेड है या एग्जाम्प्टेड है। तो हमारा आइटम टैक्सेबल है, तो मैं यहाँ पर टैक्सेबल पर एंटर कर देता हूँ। आगे दोस्तों SGST है, जो हमने HSN कोड के अंदर भरा था वो अपने आप ही पिक कर लेगा, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। CGST भी आ चुका है। आगे दोस्तों सेंट्रल में टैक्सेबल रहेगा, और IGST 28% वो अपने आप ही पिक कर लिया है। दोस्तों आगे आता है MRP, हम अगर यहाँ पर MRP भरना चाहे तो भर सकते हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों आता है परचेज रेट, आइटम का जो भी परचेज रेट है वो यहाँ पर दे सकते हैं। आगे आता है दोस्तों कॉस्ट, जो परचेज रेट है और कॉस्ट है, जब हम परचेज करेंगे तो वो अपने आप यहाँ पर पिक कर लेगा, हमारे को यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट भी अपने आप निकाल लेगा। अच्छा आगे आता है दोस्तों रेट ए, रेट बी और रेट सी, ये क्या चीज़ है। मैंने दोस्तों आपको बताया था हमें तीन बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट कंपनी, सेकंड HSN कोड, थर्ड है रेट। रेट में दोस्तों यहाँ पर हमें तीन टाइप के रेट दिए हुए हैं। फर्स्ट रेट होता है रिटेलर के लिए, रेट ए, रेट बी स्टॉकिस्ट के लिए, रेट सी ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो हम यहाँ पर तीनों टाइप के रेट भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये आगे कन्वर्जन बॉक्स है, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, कन्वर्जन केस है, नेगेटिव मिनिमाइज, आगे दोस्तों ये हमें ऑप्शनों की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर पेज अप दबाऊंगा, पेज अप से ये पूछ रहा है सेव चेंजेस, ये इसको सेव करना है, तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। तो दोस्तों ये आइटम हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर सीमेंट की आइटम बन चुकी है। इसी प्रकार दोस्तों हमें और भी आइटम बनानी हो तो हम F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद में हमें बस सिर्फ तीन बातों का ध्यान देना है, कंपनी, HSN कोड और थर्ड है रेट। ये हमें बहुत ही केयरफुली से देने हैं, ताकि हम जब भी GST की रिटर्न बनाते हैं तो उनमें रिटर्न्स में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी आइटम क्रिएट करने की प्रोसेस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मैं फिर आपको वही बात कहूँगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को फिर ज़रूर दबाना है। थैंक यू।